Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर जो है जनरेट प्रेस एक ब्लॉगिंग का बहुत ही अच्छी थीम है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे ब्लॉग्स के अंदर जो है आपने जनरेट प्रेस को देखा होगा किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही परफेक्ट काम करती है ब्लॉगिंग के उसके लिए। तो मैं आपको वर्ड प्रेस के अंदर जनरेट प्रेस को जो है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो आज आपको बताने वाला हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इसको पूरा फुल कस्टमाइज करके बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से इंस्टॉल करा जाता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि जनरेट प्रेस जो है वो किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज, अभी जो है हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये कुछ इस तरह का लेआउट जो है हमें दिखाई दे रहे हैं अभी। और अब जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर पूरा थीम जो है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो यहां पर आपको थीम चाहिए, राइट? तो थीम आपकी आती है यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, आपको यहाँ पे थीम पे जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पे थीम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दो तीन थीम आएंगी। इसमें आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं बहुत सारी थीम जो है वो आपको मिल जाती है। इसमें से एक आपकी थीम है, दैट इज जनरेट प्रेस, राइट? तो मैं यहाँ पे जनरेट लिख देता हूं। तो जैसे हम यहाँ पे जनरेट करते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहली जो आपकी थीम है वो आपकी जनरेट प्रेस है। तो ये जनरेट प्रेस को आपको प्रीव्यू करके देखना है तो आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का जो है लेआउट्स वगैरह ये देख सकते हैं। आपने बहुत सारे ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा ये इस तरह के लेआउट इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब मैं इसी को इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करा तो ये जो है आपका इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है और ये आप देखते हैं बहुत ही आसानी से इंस्टॉल होगी। अब आपको इसको एक्टिवेट करना है। तो जैसे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आप, ये आपकी जनरेट प्रेस जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहां पे वेबसाइट को रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। जो अभी लेआउट्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो है अब नहीं रहे और ये बहुत ही आसानी से हमारा जो है पैरामीटर्स इसके अंदर चेंज हो गए हैं। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। अब तो ये हमारा जो है फ्री वाला है तो फ्री के अंदर जो है आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो है ये जो पावर के लिंक वगैरह जो है वो आपको ये रखने पड़ते हैं। बट मैं जो है इसके अंदर अगर आप प्रीमियम करना चाहते हो यानी कि पेड करना चाहते हो तो पेड के लिए आपको क्या करना होता है, पेड में पहले आपको जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर लेना है जैसे मैंने अभी यहां पे इंस्टॉल कर रहा है। फिर आपको प्लगइन के अंदर जाना है और प्लगइन में यहां पे आपको मिल जाते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हैं, बट हमें यहां पे ऐड न्यू पे जाना है और यहां पर जाकर एक प्लगइन जो है हमें अपलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है और अगर आप लोगों के पास है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है इसकी तो अगर आप ये लेना चाहते हैं प्लगइन मेरे से तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल पे आप जो है अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेंड कर सकते हैं ताकि जो मैं आपको ये पूरा जो इसका लाइसेंस वगैरह है वो सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो यहां पर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ पड़ी है थीम, तो मैं जहां पे मेरी थीम पड़ी है वहां पे जाके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रहा जनरेट प्रेस और ये मेरा एक प्रीमियम एप्लीकेबल है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये जो है इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे जो है ये इंस्टॉलेशन कर रहा है अभी और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते से ही हमें यहाँ पर जो है चीजें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, ज्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत ही कम टाइम लेती है, ऐसा कोई लंबा टाइम नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसको प्लगइन को एक्टिवेट करना है। तो ये हमने यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेट कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जीपी प्रीमियम करके जो है ये आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे कॉन्फिगर पे क्लिक करना होता है। कॉन्फिगर पे क्लिक करके आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके अंदर जो है एप्लीकेबल करनी होती है। तो इन सबको एक साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके एक्टिवेट पे क्लिक करके और इसको अप्लाई कर दें ताकि आपके पास ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके पास इस वेबसाइट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएं। बट अब जो है यहाँ पे हमें लाइसेंस चाहिए होगा, तो लाइसेंस जो है वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं इसको
लाइसेंस को यहां से लेकर यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं यहां पे सेव पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा लाइसेंस जो है वो यहां पे अपडेट हो चुका है। एन एरर ऑकर ट्राई अगेन, तो शायद लाइसेंस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये लाइसेंस जो है अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने ये लाइसेंस की कहीं गलत जगह पे रख दी हो। तो यहां पे जो है आपको लाइसेंस जो मेरे पास है वो मैं आपको बता दूंगा इसको चेक करके। तो यहां पे जो है जैसे आप ये लाइसेंस अपडेट करेंगे तो बेसिकली आपके पास यहां पे जो है ये एरर नहीं आएगा, यहां पे सक्सेसफुल अपडेट आएगा। तो अपडेट करने के बाद जो है आपका ये पूरा प्रीमियम थीम जो है वो आपके पास एप्लीकेबल हो जाती है। अब नए वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि पूरा इसको कस्टमाइजेशन जो है वो किस तरह से करना होता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और तब तक स्टे सेफ।